नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका टेक्निकल अस्त में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों सबसे पहले डिफेंस अपडेट पूर्वी लद्दाख से आ रही है। दरअसल गोगरा हॉट स्प्रिंग क्षेत्र से भारत और चीन के सैनिक 12 सितंबर को पूरी तरीके से पीछे हट गए थे दोस्तों, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि चीनी सैनिक गोगरा हॉट स्प्रिंग में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पार अपने कब्जे वाले स्थान से 3 किलोमीटर पीछे हट गए। सैटेलाइट तस्वीरों से इस बात की जानकारी सामने आई है। हालांकि इन तस्वीरों में बफर या फिर नो मैन्स लैंड की सीमा नहीं दिखाई गई है, केवल चीनी सैनिकों की पोजीशन पर फोकस किया गया है। आपको बता दें कि 15 अगस्त की सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला कि चीनी सैनिकों ने बस इमारतों को गिरा दिया और निर्माण के मलबे को इस साइट के उत्तर की ओर ले गए। और वहीं अन्य तस्वीरों से पता चलता है कि चीन की तरफ से खाली की गई साइटों पर लैंडफॉर्म को दोनों पक्षों के द्वारा डिस एंगेजमेंट समझौते के तर्ज पर बहाल कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ये भी कहा गया था कि टकराव वाले जो स्थान है वहाँ पर बनाए गए सभी अस्थायी बुनियादी ढांचों को नष्ट कर दिया गया है। हालांकि इस बात का पता नहीं चल पाया है कि क्या दोनों पक्ष पेट्रोलिंग पॉइंट 15 पर एक बफर जोन बनाएंगे, जैसा कि पैंगोंग झील के उत्तर और दक्षिणी तट पर पिछले साल पेट्रोलिंग पॉइंट 17A पर गतिरोध वाले बिंदुओं से सैनिकों को हटाने के बाद किया गया था। और बफर जोन में आपको मालूम है कि कोई भी पक्ष गश्त नहीं करता है। दरअसल यहाँ पर अब भारत को सावधान रहने की जरूरत इसलिए है कि चाइना कमबैक कर सकता है और वो कभी भी ऐसा कर सकता है, क्योंकि फिलहाल जो SCO समिट हुआ है उसके लिए उसे एक मौका चाहिए था जहां दोनों देश के नेता मिल सके। लेकिन अब सारी तस्वीर क्लियर हो गई है। कहा तो ये भी जा रहा है कि चाइना अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल इन 3 जगहों से टारगेट कर सकता है। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ जो कि जम्मू कश्मीर से आ रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बारामूला जिले के उरी इलाके में बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि सेना और पुलिस के एक ज्वाइंट टीम ने उरी में हथियार गोला बारूद बरामद किया है। बता दें कि ये जो गोला बारूद बरामद हुआ है उनमें AK-47 राइफल 01 नंबर, AK-मैगजीन 01 नंबर और AK-47 गोला बारूद के 28 राउंड मिले हैं। हालांकि मामला दर्ज कर दिया गया है और जांच शुरू हो गई है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ जो कि भारत और मिस्र यानी कि इजिप्ट को लेकर आ रही है। आपको मालूम ही होगा कि भारतीय वायुसेना और इजिप्ट की एयरफोर्स ने 1 महीने लंबा हवाई अभ्यास किया था। अब ये कहा जा रहा है कि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 19 सितंबर को मिस्र जाएंगे। इस दौरान वो इजिप्ट के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डिफेंस प्रोडक्शन के साथ बातचीत करेंगे, ताकि दोनों देश मिलिट्री टू मिलिट्री और डिफेंस कॉपरेशन में सहयोग करेंगे। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जो मिस्र है वो करीबन 100 चाइनीज जो ट्रेनर जेट्स हैं उन्हें हटाने वाला है और उसे करीबन 70 लीडिंग फाइटर ट्रेनर्स की जरूरत है। दरअसल मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि भारत ने इजिप्ट को लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की पेशकश कर रखी है और इसके साथ ही भारत ने इजिप्ट में प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को भी खोलने का ऑफर दिया है, साथ ही लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टरों के निर्माण का भी। अब ये देखने वाली बात होगी कि इजिप्ट क्या तेजस फाइटर जेट को खरीदेगा, क्योंकि दोस्तों मलेशिया भारत को डिच कर चुका है। दूसरी तरफ अर्जेंटीना का भी दोस्तों ध्यान चाइना के फाइटर जेट पर ही है। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ दोस्तों, कहा जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में भारतीय वायुसेना का पहला स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर 3 अक्टूबर को इंडक्ट किया जाएगा। आपको बता दें कि 2021 में रुद्र आर्म हेलीकॉप्टर से ध्रुव अस्त्र ATGM का सफल परीक्षण किया गया था और अब ये कहा जा रहा है कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर से 7 किलोमीटर रेंज वाली ध्रुव अस्त्र का परीक्षण किया जाएगा इस साल, जो कि भारत के स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की क्षमता को बढ़ाएगा, खास करके दुश्मनों के बैटल टैंक्स, उनके कन्वेंशनल आर्मर और उनके एक्सप्लोजिव रिएक्टर आर्मर को, यानी कि इन सभी टारगेट्स को लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर ध्वस्त कर सकता है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ जो कि भारतीय वायुसेना को लेकर आ रही है। दरअसल भारतीय वायुसेना अब पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है अपने सुकोई 30 फाइटर जेट्स में इसराइल के एक्स गार्ड फाइबर ऑप्टिक सुपरसोनिक टोट डिकॉय सिस्टम के लिए, जो कि एक रिट्रैक्टेबल फास्ट डिप्लॉयबल लाइट वेट डिकॉय है जो कि एयर टू एयर और सरफेस टू एयर मिसाइलों को हरा सकता है और इससे भारत के सुखोई 30 MKI फाइटर जेट की जो सर्वाइवेबिलिटी है वो भी बढ़ जाएगी। बता दें कि इस डिकॉय का वजन करीबन 7 किलोग्राम होगा, पाइलॉन और वायरिंग का वजन 60 किलोग्राम होगा। आपको बता दें कि इस डिकॉय को कई बार रीयूज भी किया जा सकता है, जिससे कि ये कॉस्ट इफेक्टिव भी साबित होगा। आपको बता दें कि ये अपने फ्लाइट एनवेलप में 50,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है और रिट्रैक्शन फेज में ये डिकॉय अपनी पोजीशन पर वापस आएगा एयरक्राफ्ट के विंग पर और ये पाइलॉन से रिकनेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों भारत ने 2 एडिशनल फाल्कन अवॉक्स खरीदने की जो योजना थी उसे रद्द कर दिया था, जिसके पीछे का कारण ये था कि इनकी कीमतें ज्यादा थी। इसके बाद भारतीय वायुसेना नेत्रा मार्क 1 के लिए आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन $208 मिलियन के एयरक्राफ्ट डील में ब्राजीलियन फर्म एम्ब्रेयर पर घूस लेने का आरोप लगा। ऐसे में दोस्तों भारतीय वायुसेना अब कुछ अवॉक्स को कम समय के लिए लीज पर लेगी और लीज पर लिए गए इन अवॉक्स को तब तक इस्तेमाल किया जाएगा जब तक 6 A321 आधारित नेत्रा मार्क 2 सामने नहीं आता, जिसे कि DRDO इसराइल के साथ मिलकर तैयार कर रहे हैं और ये 2026 तक सामने आएगा। हालांकि दोस्तों भारतीय वायुसेना को बहुत बार देरी का सामना करना पड़ा है। इससे पहले दोस्तों टैंकर लीज लेने का प्रोग्राम था, वो भी आगे नहीं बढ़ पाया। तो इसी तरीके के ढुलमुल जो रवैये होते हैं वही
एक कमजोरी साबित होते हैं आने वाले समय में। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ जो कि अमेरिका और भारत को लेकर आ रही है। दोस्तों मैंने आपको कल के डिफेंस अपडेट में एक बात बताई थी कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि उनकी यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉयड ऑस्टिन के साथ बातचीत हुई है, जिसके तहत अमेरिका भारत को जो की टेक्नोलॉजी है उसकी तकनीकी हस्तांतरण करने को तैयार हो गया है। लेकिन इस बात का खुलासा नहीं किया गया कि किस चीज की तकनीक भारत को दी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ सूत्रों का यह कहना है कि भारत MQ-9 रीपर की खरीद गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के तहत कर सकता है। लेकिन यहां पर एक बात और सामने आ रही है कि भारत और अमेरिका नए 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट क्लास के इंजन को संयुक्त रूप से तैयार कर सकते हैं, जिसके लिए अमेरिका ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करेगा भारत के साथ। और ये जो नया इंजन होगा वो जनरल इलेक्ट्रिक के F414 पर आधारित होगा। और आपको मैं बता दूं कि ये जो जनरल इलेक्ट्रिक का F414 इंजन है वो भारत के AMCO को भी पावर देगा। इसके साथ साथ TEDBF तेजस मार्क 2 को भी पावर देगा। साथ ही 26 FA-18 अगर भारतीय नौसेना चुनती है अमेरिका से तो ये एक तरीके की समानता हो जाएगी और ऐसे में ये डील आगे भी बढ़ सकती है। अभी हाल ही में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि DRDO के जो उच्च अधिकारी हैं उन्होंने US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के साथ एक मुलाकात की है, जिसमें कि जो चल रहे प्रोजेक्ट्स हैं और जो भविष्य के प्रोजेक्ट्स हैं खासकर की डिफेंस और रिसर्च डेवलपमेंट के, उन पर चर्चा की गई है। लेकिन दोस्तों यहां पर भारत अभी तक ये फैसला नहीं कर पाया कि किसके साथ जाकर इंजन बनाना है। फ्रांस के साथ जाकर बनाना है, UK के साथ आगे बढ़ना है या फिर अब अमेरिका बीच में आ गया है। चीजें ये है कि क्या पता दोस्तों ये तीनों देशों की लॉबिंग चल रही हो कि भारत के इंजन प्रोग्राम को पीछे लाया जाए, क्योंकि भारत अभी तक स्थिर होकर किसी एक पर ध्यान नहीं दे पा रहा है। और तकनीकी हस्तांतरण की जहां तक बात है तो आप यूके को ले लो या फिर फ्रांस को ले लो, ये काफी ज्यादा कीमतें भी मांग रहे हैं। हालांकि दोस्तों अमेरिका के साथ जाना इसलिए भी अच्छा हो सकता है इंजन बनाने के लिए, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको बताया कि भारत का AMCA, TEDBF, तेजस मार्क 2 इन सभी में अमेरिका के ही इंजन यूज होंगे जब तक भारत का एक नया इंजन नहीं बन जाता। और भारत को तो वैसे भी पार्टनर की जरूरत है, तो ऐसे में अगर अमेरिका सहमत हो जाता है तो ये भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर हमारे एक दर्शक हैं रौनित कुमार जी जो कि बिहार से हैं। उन्होंने यहाँ पर एक सबसे अच्छी बात ये कही है कि 2025-2026 तक भारतीय वायुसेना को कम से कम 108 4.5 जनरेशन वाले फाइटर जेट्स की जरूरत होगी, जो कि इमरजेंसी में हमारी ताकत को बढ़ाएगी, क्योंकि भारत को दो फ्रंट की लड़ाई लड़नी है, चाहे वो चाइना हो या फिर पाकिस्तान। और इसीलिए भारतीय वायुसेना को एक बूस्टर पैकेज की जरूरत है, क्योंकि आपको मालूम है कि जागुआर, MiG-29, MiG-21 ये सब अपनी लास्ट स्टेज में पहुंच चुके हैं और मिराज 2000 भी 2035 तक रिटायर हो जाएगा। ऐसे में दोस्तों भारत के पास केवल 272 SU-30 MKI और 36 राफेल F-3R मौजूद होंगे, जो कि चाइना और पाकिस्तान के लिए काफी नहीं होंगे। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ जो कि चिनूक हेलीकॉप्टर्स को लेकर आ रही है। भारतीय वायुसेना ने पहली बार दो महिला कॉम्बैट पायलटों को चिनूक हेलीकॉप्टर यूनिटों को ऑपरेट करने की जिम्मेदारी दी है। चिनूक हेलीकॉप्टर सीमा पर तैनात जवानों को मदद पहुंचाने में अहम भूमिका निभाते हैं। चिनूक के जरिए सीमा तक लाइट हाउविजर तक ट्रांसपोर्ट की जा सकती है और ये उत्तरी और पूर्वी सीमाओं तक आसानी से जा सकती है, जहां भारत और चीन की अक्सर तनातनी रहती है। भारतीय वायुसेना के अधिकारी ने कहा कि स्क्वाडन लीडर पारुल भारद्वाज और स्वाति राठौर को चिनूक हेलीकॉप्टर ऑपरेट करने का जिम्मा सौंपा गया। इससे पहले वो रूसी मूल के MI-17V5 को ऑपरेट कर रही थी। बढ़ते हैं अपडेट की तरफ जो कि चाइना से आ रही है। दरअसल चीन ने संयुक्त राष्ट्र में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी साजिद मीर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करने के अमेरिकी प्रस्ताव पर रोक लगा दिया। इस प्रस्ताव पर भारत ने भी समर्थन दिया था। मीर भारत के सबसे ज्यादा वांटेड आतंकवादियों में से एक है और 2008 में मुंबई हमलों का मुख्य साजिशकर्ता भी है। अब ये कहा जा रहा है कि बीजिंग ने अमेरिका के द्वारा लाए गए उस प्रस्ताव पर ही रोक लगा दी, जिसके तहत मीर को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 अलकायदा प्रतिबंध समिति के अंतर्गत वैश्विक आतंकवादी घोषित किया जाना था और उसे ब्लैक लिस्ट किया जाना था। लगातार दोस्तों चाइना इन आतंकियों को बचा रहा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर अब रणनीति बहुत जरूरी हो जाती है कि चाइना को भी घेरना है, क्योंकि वीटो पावर का मिसयूज वो कर रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि UNSC में अब परिवर्तन की जरूरत है और भारत को भी स्थायी सीट दी जानी चाहिए, नहीं तो दोस्तों चाइना का ये जो अड़ियल रवैया है वो हमेशा बना रहेगा। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ जो कि इसरो से आ रही है। भारत अब गगनयान मिशन के लिए प्राइवेट कंपनियों से अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षित करने के लिए एक सिमुलेशन बनाने की मांग कर रहा है और कहा जा रहा है कि ये मिशन अगले साल अपना पहला मानव रहित मिशन शुरू करेगा और इसरो काफी तेजी से इस प्रोग्राम के लिए आगे बढ़ रहा है। कहा जा रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी उन 4 लड़ाकू पायलटों को आगे का प्रशिक्षण प्रदान करेगी जिन्हें मिशन के लिए चुना गया है, जिन्होंने रूस में प्रशिक्षण के अपने पहले फेज को पूरा कर लिया है। दरअसल भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने एक डायनेमिक ट्रेनिंग सिमुलेटर का वर्ल्ड वाइड टेंडर जारी किया है। कहा यह जा रहा है कि जो योग्य विक्रेता होगा वो सिमुलेटर का निर्माण, सिमुलेशन सॉफ्टवेयर, क्रू मॉडलिंग, इंटीरियर सेटअप, मिशन अनुक्रमण और डिजाइन और सिस्टम आकलन प्रदान करने के लिए इसरो के साथ सहयोग करेंगे और कंपनियों के पास जवाब देने के लिए 30 सितंबर तक का समय है। इसके बाद अंतरिक्ष विभाग विक्रेता योग्यता प्रक्रिया शुरू करेगा। अगली अपडेट भी दोस्तों इसरो से आ रही है। दरअसल इसरो अब एक नया रॉकेट विकसित करने की योजना तैयार कर रहा है जो अंतरिक्ष पर्यटन मॉडल से लैस होगा,
जिसका इस्तेमाल लोगों को अंतरिक्ष में कम से कम 8 करोड़ रुपए में भेजने के लिए किया जाएगा। हालांकि भारत के हिसाब से काफी ज्यादा है, लेकिन ये 33 करोड़ रुपए के मुकाबले सस्ता है जो कि जो विदेशी कंपनियां हैं वो कराती हैं, जैसे कि वर्जिन की गैलेक्टिक जो कि करीबन 33 करोड़ रुपए चार्ज करती है। दरअसल भारत भी अपने अंतरिक्ष पर्यटन मॉडल को आगे बढ़ाना चाहता है, इसीलिए इसरो ने एक सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल का उपयोग करके अंतरिक्ष पर्यटन के लिए एक नया रॉकेट विकसित करने की योजना बनाई है। इसरो का कहना है कि 2028 तक अंतरिक्ष पर्यटन काफी तेजी से बढ़ रहा होगा और कई निजी रूप से वित्त पोषित अंतरिक्ष एजेंसियां इस बाजार पर नजर गड़ाए हुए हैं, जिसके लिए वे पहले से ही कम लागत वाले रॉकेट विकसित करने पर काम भी कर रहे हैं जो रॉकेट में एक सीट की लागत को कम कर सकता है। तो दोस्तों ये अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं वीडियो के साथ, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।